उठ जाग मुसाफिर भूर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। आंखें खोल लेना ही जागना नहीं होता, असली जागना है जागरूक जिंदगी जीना। ये जानना कि आपका मन किस तरह के विचारों से प्रभावित है और हर दिन क्या भविष्य बना रहा है। हम आज जो सोचते हैं वो हमारा कल बनाता है। जब हम जानते ही नहीं कि हमारे मन में किस तरह के विचार चल रहे हैं, तब हमारा भविष्य भी दिशाहीन और अनिश्चित होगा। कहते हैं आपका सबसे बड़ा शत्रु इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना आपके बेपरवाह विचार। जिसने इसे काबू में कर लिया उसकी जीत निश्चित है। जो लोग अतीत में रहते हैं वो दुख और पछतावे से विचलित रहते हैं। जो भविष्य की सोच के जीते हैं वो घबराहट में रहते हैं। हमारी शक्ति ना हमारे अतीत में है ना हमारे भविष्य में। हमारी सारी शक्ति वर्तमान में है, इस पल में है जो सेकंड्स में फिसले जा रहा है। तो चलिए इसको समझे भी और ध्यान में बैठें, जिससे कि हम आज से एक जागरूक जीवन की शुरुआत कर सकें। तो कमर सीधी रखें, एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, हाथ अपनी गोद में रख लें, चेहरे पर एक मन मुस्कान रखें, अपनी आंखें बंद कर लें और अब हम तीन लंबी गहरी सांस लेंगे। हर सांस की क्रिया को हमें चार भाग में बांट देना है और हर भाग चार गिनती तक करना है। आप भी मन ही मन ये गिनती करें और कभी भी मन अशांत हो तो आप इस तरीके से सांस लें और ये आपको जरूर आराम देगा। पहले भाग के लिए नाक से सांस अंदर खींचें, एक दो तीन चार, अब चार गिनती तक रोक लें इस सांस को, ये दूसरा भाग है। अब चार गिनती तक सांस को मुंह से बाहर छोड़ते रहें, दो तीन चार, और फिर सांस रोक लें। इन चार गिनती तक कोई सांस ना भरें। फिर से करें, सांस अंदर भरें, गिनते रहें, सांस रोकें, दो तीन चार, मुंह से चार गिनती पर सांस बाहर छोड़ें और रुक जाएं। एक और बार लंबी गहरी सांस भरिए, रोकिए, दो तीन चार, सांस रोके रखें और मुंह से सांस बाहर निकालते हुए कंधे ढीले कर दें और अब सांस रोक लें। धीरे धीरे अब सांस अपने आप अंदर और बाहर जा रही है। अपना ध्यान मेरी आवाज से जोड़े रखें। कभी भी ये ध्यान भटके तो सांस की गति पर ध्यान देना है। अब अपने पैरों और टांगों पर ध्यान दें। यहाँ पर स्थित किसी भी तरह के तनाव को अब सांस छोड़ते हुए पिघलने दें। ध्यान अपनी कमर और पेट पर ले जाएं। इस हिस्से को भी अब पहले की तरह जब सांस बाहर छोड़ें तो पूरी तरह ढीला छोड़ दें, जमीन की तरफ बहने दें। अब ध्यान रीढ़ की हड्डी पर ले जाएं कि ये सीधी रहे और नीचे से लेके ऊपर तक एक सफ़ेद प्रकाश इसे पूरी तरह से साफ और शिथिल कर रहा है। सांस भरें और देखें सांस और गहरी हो रही है और आप और शांत हो रहे हैं। छाती की मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें। अपना ध्यान अब अपने कंधों पर ले जाएं, अपने हाथों पर ले जाएं। यहाँ पर बह रही ऊर्जा को महसूस करें और अब इनको भी पूरी तरह से ढीला छोड़ दें, जमीन की तरफ गिरने दें। अब अपने गले को, जबड़े को, अपने माथे को, भौहों को ढीला छोड़ दें। चेहरे पर एक मन सी मुस्कान रहे। अब आप अपने शरीर को
एक आरामदायक स्थिति में ला चुके हैं। सिर्फ मेरी आवाज से जुड़िए, इस शांति को गहराई से महसूस करिए कि कितनी आरामदायक स्थिति है ये, और ये आपके साथ पूरे दिन रह सकती है। इस स्थिति में हमें जितना हो सके रहना है। कोई भी विचार अभी आ रहा हो तो हमें मूर्ख दर्शक बन के उन्हें देखना है, उसमें भावनात्मक रूप से नहीं जाना, और फिर जैसे ही विचार जोर पकड़े आप उसे आदेश दें अगला विचार। इस तरह आपको यकीन होगा कि आपके आदेश के बिना विचार निरंतर नहीं चल सकते। कुछ पल इसे करें। अब हर विचार के बीच विराम कहने की आदत डालनी है। विचारों के अंतराल से अवगत होना जरूरी है। जब एक विचार खत्म हो और दूसरा शुरू, तो इसके बीच दिमाग को विराम करने का आदेश दें। इस दौरान ध्यान अपनी नाक पर रखें और देखें सांस किस तरह आ जा रही है। हमें हर दिन विराम की स्थिति बढ़ाते जाना है, तो कुछ पल जरा इसे करें। हम हर पल कुछ ग्रहण कर रहे हैं जो हमारी विचारधारा बना रहा है। हम चाहे ना चाहे, पर हर वो चीज जो हम सुनते हैं, देखते हैं या महसूस करते हैं, वो हम पर, हमारे दृष्टिकोण पर और हमारे जीवन के अनुभवों को प्रभावित करती है। अक्सर हम देखते हैं, जब हम महसूस करते हैं कि सब अच्छा चल रहा है, तब बिगड़ती चीज भी बन जाती है। पर जब हम गुस्से या घृणा से भरे होते हैं, तो एक के बाद एक गलत परिस्थितियां उत्पन्न होने लगती हैं। परिस्थिति चाहे कोई भी हो, समझने की बात यह है कि जिस तरह एक बेपरवाह विचार हम पर गलत असर डालता है, उसी तरह सचेत और जागरूक मन हमारी परिस्थितियों को बेहतर कर सकता है। सांस लें और धीरे धीरे सांस की गति पर ध्यान रखें। आज से कोई भी विचार आए तो कहें विराम, अपनी सांस से अवगत हो जाएं और अपनी इंद्रियां यानी दृष्टि से देखें कि सामने क्या है। कानों से सुने कि क्या आवाजें मुझे सुनाई दे रही हैं। महसूस करें कि मैं कहाँ हूँ और क्या कर रहा हूँ, और सांस को गहराई से खींचें। आज से ज़्यादा समय हमें इस स्थिति में बिताना है। ध्यान अपनी सांस की गहराई पर ले जाएं। महसूस करें कि सांस शरीर में कहाँ तक जा रही है। अपने शरीर पे छू रही हवा को गहराई से महसूस करें। आप जहाँ बैठे हैं वहाँ किस तरह आपका शरीर है, इससे अवगत हों। इस स्थिति में कुछ पल रुकें और अब हम धीरे धीरे वापस आएंगे। इस ऊर्जा को अपने अंदर समाते हुए और आज से सचेत होते हुए अब अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़िए और उसे अपनी आंखों पर रखें और धीरे से अपनी आंखें खोलिए।